किनारे किनारे चार गांव के लोग यहां पे भंडारा दिया गया। चार गांव को भंडारा बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि अभी गत 15 फरवरी को एक युवती ने, किशोरी ने अपनी मन्नत पूरी होने पर जुबान चढ़ा दी थी। आज वही स्थल पर मैं दोबारा खड़ा हूं और स्थिति जानने के लिए कि क्या हालात हैं उस युवती की, किशोरी के, और उस मंदिर पर उसी जगह मैं खड़ा हूं जहां पर आज काफ़ी एक भव्य कीर्तन और भव्य जो है यहां पे पूजन अर्चन चालू है। और इस मंदिर में, ये वही मंदिर है जहां पर वो एक मोहनी नाम की लड़की ने अपनी जीभ मन्नत पूरी होने पर चढ़ा दी थी। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट और पूरा वीडियो आप लोग देखें। हमारे सामने मोहनी उपस्थित हैं और हम उनका हाल चाल लेते हैं। और उसी मंदिर के पास, दुर्गा जी के मंदिर और उनकी मूर्ति के पास में खड़ी हैं और बात करते हैं। मोहनी जी, क्या हाल है आपका? अच्छा है, जुबान आपकी पूरी हो गई? जरा दिखाइए। हाँ, अभी कुछ बाकी है। जैसा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप हमें आवाज़ निकलती है, दर्द नहीं होती है, अब आप स्वस्थ हैं। अच्छा, यहाँ पे आज क्या हो रहा है, क्या क्यों कर रही हैं साहब? मतलब माँ आपकी ठीक हो गई, इस वजह से आप यहाँ पे भजन कीर्तन आप कर रही हैं? अच्छा, भंडारा भी आप कर रही हैं? हाँ, भंडारा सभी लोग करते हैं, सभी के सहयोग से भंडारा हो रहा है। सभी के सहयोग से भंडारा हो रहा है। अच्छा, ये मंदिर किसने बनवाया था? मंदिर भैया बाबा थे तो उन्होंने बनवाया था। अच्छा, कितने दिन हो गए इस मंदिर को यहाँ पे स्थापित किए? कितने वर्ष हो गए इस मंदिर को? 5-6 साल हो गए। अच्छा, वो बाबा अब हैं कि नहीं? नहीं, बाबा नहीं। अच्छा, उनकी अब हाथ देख रहे तो उनका। अच्छा, आपकी देख रहे में ये मंदिर है? अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये मोहनी है और उसी मंदिर में है। आज यहाँ पर भव्य भंडारा सभी के सहयोग से और कीर्तन भजन हो रहे हैं। कितने दिनों तक ये चलेगा भंडारा? शाम 8 बजे तक, 9 बजे तक। कब स्टार्ट किया? 24 घंटा। आपने किया है? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये वही स्थल है जहाँ पर एक युवती ने अपनी जुबान काट के चढ़ा दी थी और वहीं पर आज भव्य विशाल एक भंडारे के रूप में भजन कीर्तन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये आपको दिखाते हैं भजन और कीर्तनकारों की यहाँ पे मंडली इकट्ठा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये तिलीनाथ के द्वारा मंदिर बनवाया गया था, दुर्गा जी का मंदिर है, जहाँ पर एक युवती ने अपनी मन्नत पूरी होने पर अपनी जुबान केवल के रूप में चढ़ा दी थी। आज यहाँ पर भव्य कीर्तन भजन और भंडारा का आयोजन उसी के परिजनों के द्वारा किया जा रहा है। मोहनी के ये भंडारे की व्यवस्था यहाँ पे चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जागदाने की तस्वीरें हैं, यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और काफ़ी यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं। महाराज जी आएंगे भी? अच्छा, कौन महाराज जी? त्यागी महाराज। अच्छा, त्यागी जी भी महाराज यहाँ पे आएंगे, कब आएंगे, कब तक आएंगे? 8 बजे आएंगे। अच्छा, उन्हीं के सानिध्य में ये भंडारा हो रहा है? अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये मंदिर है और यही मंदिर पे एक युवती ने अपनी जुबान चढ़ाई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम कौन कर रहा है? ये विशाल भंडारा मंडारा क्यों हो रहा है? अच्छा, उसी वजह से अब यहाँ भंडारा और ये सब हो रहा है। कई दिन तक चलेगा ये? कब से स्टार्ट था ये कीर्तन? 24 घंटा का। कल शाम से कल 6 बजे से। अच्छा, हरे राम।
से पिता है। अच्छा आप पिता है। हाँ अच्छा, ये आपकी युवती बेटी ने ऐसा कार्य किया था, क्यों किया था? क्या तमन्ना थी? तमन्ना तो आई थी वो बेटी। नहीं ये तो बता रही माँ बीमार थी। नहीं ये तो बता रही माँ बीमार थी। माँ बीमार थी हमारी तब। माँ के बारे में नहीं, आपने बताया था कि हमारी माता जी बीमार थी। माता और ये पिताजी हैं आपके? ये पिताजी है ना। अच्छा जब आप भक्ति कर रही थी तो ये कोई जानता नहीं था? सब जानते। नहीं तो आप बताया था कि हमारी माँ बीमार थी। सभी भक्त हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? राम सर। आपकी बेटी है? अच्छा अच्छा, तो आपने ये क्यों बोला था कि जो है माता जी बीमार है? माता बीमार तो है। तो पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं बीमार थी। बीमार थी जो बड़ी उसी को थी। अच्छा अच्छा, Bye.